सो वी वर डिस्कसिंग द सेपरेटिंग टेक्निक्स, ठीक है, कौन कौन सी हमने डिस्कस कर ली हुई है. वी हैव डन द इवेपोरेशन इन विच वी सेपरेटेड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इंक. देन आफ्टर दैट वी डिड सब्लिमेशन मेथड वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट दैट वन सब्सटेंस इट सब्लाइम्स ऑन हीटिंग. ओके, दैट मीन्स द सब्सटेंस इट डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट. ओके, सो द थर्ड टेक्निक वी एम्प्लॉय इज सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पर हम कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं, जो सॉलिड सस्पेंड हुए हैं लिक्विड में, उनको सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम एम्प्लॉय करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, इन विच देयर इज बेसिकली अ रोटेशन ऑफ द मिक्सचर एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड. ओके, सो ड्यू टू दिस रोटेशन द लाइटर एंड द हैवियर कॉम्पोनेंट दे विल बी सेपरेटेड आउट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन, in which we separate the crystals of the pure substances like sugar, salt, alum, right? So, jo hume sea salts milte hain, they are not actually pure crystals. So, hum usko use karke kya kar sakte hain? Crystallization ko use karke we can obtain the pure salts. Copper sulfate hai, alum hai, theek hai? Sugar hai, salt hai, in sabke pure crystals jo hai hum form kar sakte hain. Next technique we discussed about the chromatography. Separating funnel. चलो सेपरेटिंग फनल में भी दिखा भी देती हूँ, लास्ट में करते हैं. उससे पहले आती है क्रोमेटोग्राफी, दैट इज एक्चुअली द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स. तो किसी भी चीज के अगर हमने कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट करने हैं, देन वी विल बी एम्प्लॉइंग द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी. फॉर एग्जाम्पल द सेपरेशन ऑफ द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स, स्पिनेज. ओके, और क्या क्या मेथड थे? हाँ जी, और क्या क्या हमने सेपरेट किया था? ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, शुगर को सेपरेट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या प्रिंसिपल था इस मेथड का? सॉल्युबिलिटी. जो कॉम्पोनेंट ज्यादा सॉल्युबल है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, वो ज्यादा ऊपर तक जाता है. ओके, और जो कॉम्पोनेंट लेस सॉल्युबल है वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाता है. तो जो आपके पास कॉम्पोनेंट्स आएंगे वो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स आएंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर ही सेपरेट आउट होके आएंगे, राइट. एंड इन द लास्ट मेथड वी डिस्कस्ड अबाउट द सेपरेटिंग फनल टेक्निक, व्हिच इज एक्चुअली द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड फ्रॉम द इमिसिबल. ओके, तो मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें सेपरेट करना है, वी विल बी एम्प्लॉइंग द सेपरेटिंग फनल टेक्निक. तो मिसिबल वाला मिक्स हो जाता है एंड इमिसिबल कॉम्पोनेंट नहीं मिक्स होते हैं. तो ये टेक्निक हम इमिसिबल लिक्विड के लिए. कौन है बेटा? हाँ जी, सो टू सेपरेट द टू इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल दैट मीन्स द लिक्विड्स दैट डोंट मिक्स विद ईच अदर. सो दे विल बी फॉर्मिंग टू सेपरेट लेयर्स. Okay. So in this method, you will clearly see where the first layer is and where the second layer is. ठीक है? तो आपको वो दोनों layers दिख जाएंगी and in this way we'll be separating it. So last time मैंने आपको इसका diagram दिखाया था, ठीक है? So this is actually the separating funnel, right? इसको use करके आप इसमें pour करोगे solution, right? तो ये यहाँ पर जाएगा and this is the knob here. इसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो इजीली, ठीक है. ऑयल देके नहीं गए हैं तो एज इट इज हम इसमें डाल देते हैं, तो जो भी ऑयल होगा थोड़ा बहुत वो सेपरेट आउट हो जाएगा. ओके, वाटर डाला है और ऑयल पहले से ही था उसमें, तो मैं देख रही हूँ कि जो ऑयल है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए ताकि दो लेयर्स बना दें, क्योंकि ऑयल दे के नहीं गए मैंने भैया, बट ऑयल ज्यादा फॉर्म नहीं ना हुआ इसमें. जाओ मिलन लेके आओ, ऊपर केमिस्ट्री लैब में जाना,
विनय भैया से कहना कि वो सामने वाली लैब जो है पता है कि उनको कहना ऑयल दे दो, ऑयल नहीं देके गए आप। हाँ जी क्या वो ऑयल के ही कंपोनेंट है बेटा, ऑयल ही लगा हुआ है, प्योर तो नहीं आएगी, सेपरेट करने का मेथड है बस ये, दिस इज जस्ट अ मेथड ऑफ सेपरेशन दैट डजंट शो कि ये आपको प्यूरिफिकेशन में भी देगा। ठीक है, ये ऑयल आता है फिर हम प्रोसीड करते हैं उससे, नेक्स्ट हम लिख लो, राइट डाउन द नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिस्टिलेशन। हाँ स्टार्ट किया था ना, वी स्टार्टेड विद द डिस्टिलेशन मेथड, ऑयल आता है फिर मैं आपको सेपरेशन करके दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन मेथड। सो इन द सेपरेटिंग फनल व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर टू सॉल्यूशंस और टू लिक्विड्स दैट एक्चुअली मिक्स विद, डोंट मिक्स विद ईच अदर। ठीक है, सेपरेटिंग फनल में क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं तो हम इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग देम, बट यहाँ पर जो हम लिक्विड्स लेते हैं दे आर मिसिबल लिक्विड, दैट मीन्स ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब जो लिक्विड्स एक दूसरे में मिक्स हो गए, आई कांट सी वेयर द वन लेयर इज एंड वेयर द अनदर लेयर इज, ठीक है, तो अब हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे, सो दिस इज बाय द डिस्टिलेशन टेक्निक। Here one thing more that whatever the two liquids we are taking, they should be having at least a difference of boiling point of 25 Kelvin, 25 degree Celsius. ठीक है, तो जो मर्जी लिक्विड हम लेंगे उनका जो sufficient difference होना चाहिए वो
ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी ब्रिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ टू इन इकोनॉमिक लिक्विड्स. नाउ इन द डिस्टिलेशन मेथड, सो प्रीसिजन पॉइंट इज फॉर इक्विटी इन टर्म ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. वाटर एंड अल्कोहल एंड पॉसिबल की नहीं क्या आप दूसरे पे मैक्स सीक्रेट अ सॉल्ट एल्कोहल इन वाटर that is more than 25. ठीक है, तो डेट मीन्स हमने ऐसे लिक्विड सेलेक्ट करने हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 25 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, केल्विन का मतलब मैं दोनों यूनिट्स जो है वो केल्विन में ले रही हूँ, डिग्री सेल्सियस का मतलब मैं दोनों यूनिट्स डिग्री सेल्सियस में ले रही हूँ. ओके, सो यू कैन राइट डाउन so a mixture of miscible liquids can be separated by the distillation method where the liquid is heated to its boiling point to convert it into vapors which are further cooled to get the pure liquid, So see the apparatus of the distillation method. This is distillation flask. ठीक है, इसके अंदर हम अपना mixture लेंगे. That is the mixture of acetone and water. ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ mix हो जाएंगे, right? So we will be taking this in the distillation flask and we will be heating this distillation flask. हमने इसको heat करना है, ठीक है? Heat करेंगे, इसके अंदर हमने temperature जो है temperature के लिए thermometer जो है वो insert करना है, okay? ताकि हम normal जो उनका boiling point temperature है वो notice कर सकें, ठीक है? We have to keep an eye on the boiling point temperature also कि जैसे ही वो temperature reach करना शुरू होगा हमें एक idea हो जाएगा कि अब इस स्टेज पर जो उसके वेपर्स हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं एसीटोन और वाटर का मिक्सचर ले रही हूँ तो किसके वेपर्स बनेंगे? एसीटोन. ठीक है, तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर विल रीच 65 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर दैट द वेपर्स ऑफ द एसीटोन दे विल बी स्टार्ट फॉर्मिंग. अब सेकेंड लाइन आपने लिखी है कि जो वेपर्स हैं उनको हमने क्या करवा लेना है? कूल करवा लेना है. ओके, सो कूल करवाने के लिए दिस इज द कंडेंसर एक्चुअली. ठीक है, कूल करवाने के लिए ये अपरेटस है कंडेंसर का, जिसको हम फिट करते हैं कंडेंसर के साथ, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ. ओके, एंड द अदर एंड ऑफ दिस इज फ्री
यहां से इसको इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, थर्मामीटर आएगा, राइट, एंड देन वी विल बी मेकिंग दिस कनेक्शन हियर, थर्मामीटर के साथ उसके साथ कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, यहां से जो आपके लिक्विड्स हैं वो ट्रेवल करना शुरू करेंगे, जो वेपर्स है ना आपके, यहाँ से जो डिस्टिलेशन फ्लास्क के आएंगे, कि मैं आपको सिर्फ ऐसे आधा अधूरा दिखा रही हूँ क्योंकि इसको पूरा सेटअप करना पड़ेगा हमें, ओके, तो यहाँ से जो उसके वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग इस कंडेंसर में से, इस कंडेंसर को हमने कनेक्ट करना होता है, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं ये हमने वाटर के साथ कनेक्ट करने होते हैं, यू कैन सी हियर द पाइप, ठीक है, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द टैप, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ओके, दे बोथ आर कनेक्टेड टू द टैप। अब पानी के साथ हम इसको क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को क्या करना है, ठंडा करना है। आप देख सकते हो इसके बीच में भी एक पाइप है, कैन यू सी, देयर इज अ पाइप इनसाइड इट, इस पाइप के थ्रू जो आपके वेपर्स हैं वो चलेंगे, जो आपका पानी है दैट विल बी प्रेजेंट आउटर दिस रीजन, ये बाहर वाले रीजन में जो आपका पानी है वो फ्लो करेगा। अब उस पानी ने क्या करना है, उस पानी ने ये जो अंदर वाली ट्यूब में वेपर्स हैं उनको एक्चुअली कंडेंस करवाना है, ठंडा करवाना है, ओके, यहां से आपने पानी कोल्ड वाटर एंटर करवाना है, यहां से जो हॉट वाटर है इट विल बी आउट, ओके, इस इनलेट से आपने जो वाटर है वो अंदर की तरफ लाना है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर इट शुड बी इंसर्टेड ऑन दिस एंड, ठीक है, और यहां से जो आपका हॉट वाटर है जो आफ्टर कंडेंसेशन, जो उसने वेपर्स को कंडेंस करने के बाद जो पानी था वो गर्म हो जाएगा ना, इट विल टेक द हीट ऑफ दीज वेपर्स, तो यहाँ से जो हॉट वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, एंड फ्रॉम द दिस एंड यू विल बी गेटिंग द लिक्विड, ओके, हाँ जी, क्लियर है, इस एंड से आपको जो लिक्विड है वो मिल जाएगा एक, और जो दूसरा लिक्विड है वो आपका किस में रह जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ओके, सो दिस इज हाउ वी विल बी ब्रिंगिंग अबाउट द डिस्टिलेशन मेथड, क्लियर हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है, तो इस एंड से वाटर जो है और इस एंड से जो वाटर है दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज द कंडेंसर, वो उस वेपर्स को क्या कर रहे हैं, जो आपके लिक्विड के वेपर्स हैं उनको ठंडा करने का काम कर रहे हैं, यहाँ से आपने कोल्ड वाटर जो है वो इनलेट में, इनलेट के थ्रू आपने एंटर करवाना है, और यहाँ से जो हॉट वाटर है आफ्टर टेकिंग द हीट ऑफ द वेपर्स इट विल बी आउट फ्रॉम द आउटलेट चैम्बर, ठीक है, और यहाँ से आपका लिक्विड जो है, जो वेपर थे अब वो लिक्विफाइड फॉर्म में आके बाहर आपने इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, ओके, चलिए लेट्स ड्रॉ द डायग्राम नाउ, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसको बना लेते हैं, सो सबसे पहले आपने क्या देखा, डिस्टिलेशन फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, हाँ जी, फ्लास्क कैसी थी, राउंड शेप की है, ठीक है, जो इसका बॉटम है डैट इज एक्चुअली राउंड इन द शेप, तो दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क, और यू कैन ऑल्सो से एज डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हमने होल्ड करवा लिया है एंड हेयर वी आर हीटिंग इट, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बर्नर है डैट इज एक्चुअली डूइंग द हीटिंग मेथड, ओके, एंड अगेन डायरेक्ट हीटिंग नहीं देनी है हमने इसको, क्यों नहीं देनी है बेटा, कौन से सॉल्वेंट्स हैं ये, विच सॉल्वेंट्स आर दीज, बताया भी था आपको, कौन से सॉल्वेंट्स है बेटा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स करवाए थे ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इनको हमने डायरेक्ट हीट नहीं देना है, तो इसको हम किसी बीकर में या राइट किसी भी चैम्बर में डालेंगे थ्रू विच इट विल बी गेटिंग द इनडायरेक्ट हीट, तो जैसे जैसे वाटर जो है वो बॉइल करना शुरू करेगा वैसे वैसे उसको हीट जो है वो सप्लाई की जाएगी, ठीक है, इसके अंदर दोनों, हाँ एसीटोन यहाँ पे ऑर्गेनिक है, अदरवाइज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम और भी लेते हैं, टॉलुइन बेंजीन का मिक्सचर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास कौन सा मिक्सचर है, एसीटोन एंड वाटर का, फिर मैंने क्या बताया अभी आपको यहाँ पर, व्हाट वी विल बी अटैचिंग हियर, थर्मोमीटर, ठीक है, तो इसके अंदर हम थर्मोमीटर लगाएंगे,
टू ऑब्जर्व द टेम्परेचर, और थर्मोमीटर जो है वो अपने सॉल्यूशन तक ही रखना है, इसकी टिप को टच नहीं करवाना है. ओके, सॉल्यूशन तक होना चाहिए, ये नहीं थर्मोमीटर आपका इसके बॉटम को टच कर रहा है फिर उसके बॉटम का थर्मोमीटर का टेम्परेचर नोट करेगा वो. ओके, तो हमें तो सॉल्यूशन का चाहिए. सो दिस इज द थर्मोमीटर. ओके, व्हाट नेक्स्ट? दिस इज अटैच्ड फर्दर विद द कंडेंसर. इसको हमने कंडेंसर के साथ अटैच किया हुआ, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने लगी हूं मैं. ठीक है, तो हमने यहां से इसको किसके साथ अटैच किया हुआ है, वी हैव अटैच्ड टू द कंडेंसर. अब आप देख सकते हो कंडेंसर के बीच में भी क्या है, एक इनलेट पाइप है. देयर इज एन इनलेट पाइप इनसाइड दिस, जो बिल्कुल छोटी सी बारीक सी पाइप है. ठीक है, तो हम उस पाइप को यहाँ पर दिखा रहे हैं. ओके, सो ये वाली जो है वो इनलेट वाली पाइप है. ओके, ठीक है बेटा, क्लियर है? ये जो अंदर वाली पाइप है ना, इसको हम कनेक्ट करेंगे दिस वन, राइट? इस वाले को हमने यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देना. ओके, आफ्टर कनेक्शन जो आपके वेपर्स हैं वो अंदर वाली पाइप में जाएंगे, और यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है, एक इनलेट और एक आउटलेट. ठीक है, तो ये इनलेट है जहां से आपने कोल्ड वाटर जो है वो ऐड करवाना है. This is the inlet for cold water and this is the outlet for the hot water. जहां से जो hot water है वो बाहर जाएगा. Okay? Stands के साथ हमने इसको fit किया हुआ है, ये देख लेना. ठीक है, We are holding it with the help of stands. ठीक है, this is the inlet for cold water. Okay, so yahan se jo aapka liquid hai it will be out. Theek hai, हाँ जी, हो गया क्लियर बेटा? सो दिस इज अबाउट द डिस्टिलेशन मेथड. इनडायरेक्ट बॉइलिंग देनी है, ठीक है, इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है हमने. उसके बाद जो भी आपका लिक्विड है, क्या ये भी फ्लास्क का माउथ है बेटा, यहाँ पर नहीं शो किया, ये चीज है देखो, ये इतनी चीज है. ठीक है, उसके बाद ये आपकी फ्लास्क स्टार्ट हो गई, तो ये पार्ट शो किया मैंने. हाँ जी, हाँ, तो अभी बताया, तो कंडेंसेशन करने के लिए, वेपर्स को लिक्विड्स में चेंज करने के लिए हम उसको हीट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं. ठीक है, कोल्ड वाटर एक एंड से हम पास करवा रहे हैं ताकि वो कोल्ड वाटर जो है वो उन वेपर्स की हीट ले ले और उन वेपर्स को ठंडा कर दे. फिर वहां से जो आपका वाटर है, हॉट वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है और वेपर्स जो है वो लिक्विफाइड होके दूसरी तरफ से वापस जा रहे हैं.